हमारे साथ एके मिश्रा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है मिश्रा जी आपका। भी मंच पे बैठे कि धर्म की राजनीति से ये देश नहीं चलेगा। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है एके मिश्रा जी, और कौन करता आ रहा है आज तक, और आज कौन कर रहा है, मुझे समझाइए जरा। जो अचानक से राम 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 शुरू हो गया है अचानक से, ये अभी तक राम नाम लेने से भी कुछ पार्टियां कतराती थी और आज वो राम नाम में एकदम गुम हो गई। देखिए अपूर्व, फैक्ट क्या है मैं आपको बताऊं। सब लोग बोलते हैं बहुत सारे देश की हम लोकतांत्रिक हैं और धर्म का जो है उतना ज्यादा सरकारी तंत्र में प्रभाव नहीं है, लेकिन आप आज भी देखिए तो धर्म और राजनीति को अलग नहीं कर सकते हैं। दुनिया में 52 देश जो मुस्लिम देश हैं, वो तो केवल धर्म के नाम पे डिक्लेयर्ड मुस्लिम देश हैं। उनके पासपोर्ट पे लिखा जाता है कि रिपब्लिक ऑफ या फलाने ऑफ इस्लामिक है, जैसे पाकिस्तान का आप देखिए, तो 200 देशों में से 52 देश तो डिक्लेयर्ड है। अच्छा, उसके साथ और भी आप देखिए जो डिक्लेयर्ड नहीं है लेकिन लोकतंत्र में है, आप चाहे वेस्टर्न कंट्रीज का ले लीजिए, धर्म का बड़ा गहरा प्रभाव होता है सरकार के क्रियाकलाप में, लेकर के शपथ लेने से लेके या किसी भी ऐसी चीज में वहां पे धर्म। मैं बोलना ये चाहता हूं कि सदियों से लेकर के आज तक धर्म एक मानव इतिहास का, मानव के व्यक्तिगत और उसके प्रोफेशनल जो है जिंदगी का या दुनिया का एक अभिन्न अंग है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। धर्म का सही सदुपयोग हो, और अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में सर्वधर्म को रिस्पेक्ट करना, उसके बाद समानता वगैरह की बात है, तो ये तो बात हो गई धर्म की, तो मैं दोनों को अलग नहीं देख सकता हूँ। धर्म और पॉलिटिक्स और आपकी जिंदगी जुड़ी है। चाइना एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि अपने आप को बोलता है कि हम धर्म वगैरह को नहीं मानते हैं, वो डिफरेंट, लेकिन ज्यादातर देशों में धर्म का लगाव कहीं ना कहीं जिंदगी के हर कोने पे मिलता है, चाहे राजनीति हो चाहे बिजनेस हो। दूसरी चीज है, राम की बात हो रही है तो ये सब लोग राम राम इसलिए कहने लगे हैं अब कि इफ यू कैन नॉट बीट देम ज्वाइन देम। एक कहावत है कि अगर आप किसी को परास्त नहीं कर सकते हो, हरा नहीं सकते हो, तो अब ज्वाइन कर लो। राम की सेना से राम के खिलाफ बहुत सारे लोग 500 साल से लड़ते रहे हैं, तो अब होगा क्या अंत में विजय सत्य की होगी। ये आखिरी लड़ाई थी जिसमें राम और उनके पक्ष के लोग और राम के विरोधी पक्ष के लोग थे, और जीत सत्य की हुई, यानी जीत जो है राम की हुई, जो हजारों साल का इतिहास है उसकी हुई है। हर तरीके से अड़ंगे अड़ाए गए हैं और अभी भी अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं। देखिए ये जो मौलाना वगैरह बोल रहे हैं मस्जिद थी मस्जिद है रहेगी, मैं इनकी बात से सहमत हूं, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, लेकिन आगे अब जो मस्जिद है, स्पेशली बाबरी मस्जिद जो है, जो ऐसे लोग बोल रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में दफन होकर के रहेगी। फर्क केवल यही है। तो अपने शब्दों को वो थोड़ा सा और इंप्रूव कर लें, एक शब्द और जोड़ लें कि मस्जिद रहेगी लेकिन इतिहास के पन्नों में दफन होकर के रहेगी। ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मनोज जी। देखिए एके मिश्रा जी ने कहा कि धर्म का समावेश राजनीति में रहेगा, यही तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। अरे धर्म हमारी आस्था का विषय है, कोई एक साल से नहीं या बीजेपी के शासन काल में नहीं, हजारों साल से। जब इस देश में मानव सभ्यता नहीं थी तब भी लोग आसमान की तरफ अपने धर्म को याद करते थे, अपने ऊपर वाले उस गॉड को याद करते थे, एक ताकत को याद करते थे। अब तो तमाम सारी विधियां हो गई पूजा पद्धति की और धर्म को मानने की। आप इस तरह की बात मत करिए, चिढ़ाने की राजनीति मत करिए। मुस्लिम कंट्रीज क्या करते हैं ये उनका मैटर है, हम भारतीय संवैधानिक दायरे में अपनी बात कहते हैं, हमें कोई विश्व पटल पे अपनी बात कहने के लिए नहीं जाएंगे, और ना हमारा उससे कोई मतलब ही है। हमारा मतलब है कि हमारा देश खुशहाली की तरफ जाए, तब हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। लेकिन हमारे काबिल साथी लोग ये भूल जाते हैं और लगातार भूलने की कोशिश करते हैं कि सरकारों का काम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, हॉस्पिटल स्कूल बनाना है, और तब आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी। एके मिश्रा जी का बेटा वहां क्या घंटी बजाने की नौकरी थोड़ी नहीं है अयोध्या में करेगा, वो तो इंजीनियर डॉक्टर बनेगा ना, तो उसके लिए अच्छी स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। वो सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर एके मिश्रा जी हो सकता है यहाँ टीवी पे बैठ के डिबेट करे, बेटे को हो सकता है ना काम मिले, सरकार तब तक नौकरियां खत्म कर दे, तब तक सिर्फ धर्म का ही एजेंडा चलाता रहेगा। तो राम राम करने से, श्याम श्याम करने से, शिव शिव करने से, माता पार्वती और सबकी मंत्र जाप करने से कोई नौकरी नहीं मिल जानी है। इसलिए सरकार से सवाल पूछ लो, बड़ी समस्या है। और सुनिए, सिर्फ राम नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता है। नहीं तो आपका मतलब क्या, राम राम जो बोले मुझे बोली, कोई बाध्यता नहीं है। मनोज यादव जी
मैं बहुत मतलब मुझे इतनी शर्म आ रही है, दोनों को विंडो पे लीजिए, सुनिए मुझे इतनी शर्म आ रही है, सुनिए अभी इस बात के लिए। आप उस यदुवंशी के वंशज हैं जिसने धर्म को कर्म का और इन सब चीजों का क्या उपयोग है। मैं हिंदू धर्म की बात करूं, हिंदू धर्म आपको अपना कर्म करने से कभी भी विमुक्त या च्युत नहीं करता है। कौन से धर्म में ऐसा बोला गया है कि आप दिन भर राम राम करिए? पूरे हिंदू धर्म में कर्म की प्रधानता रही है और आप कृष्ण के वंशज होकर के इतनी गलत में, आपको समझ में नहीं आया धर्म क्या है? आप पहले धर्म समझिए। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहिए। धर्म धर्म में कर्म पूछा रहा, कर्म को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है। कौन सा धर्म ने सनातन धर्म में आपको कौन सा अपना आगे बढ़ने के काम को रखा है? आपके विकास के काम को धर्म ने रोक दिया है? धार्मिक व्यक्ति नहीं हो, धर्म ने सनातन धर्म में रोक दिया? किसी वेद पुराण में लिखा हो कि सनातन धर्म में लिखा है सड़क मत बनवाओ, हॉस्पिटल मत बनवाओ, स्कूल मत बनवाओ, गरीबों की मदद मत करो? कौन सा वेद पुराण में लिखा है सर, बताइए ना? सनातन धर्म ने कब मना किया कि विकास का काम मत करिए? एक उदाहरण बता दीजिए कि सनातन धर्म ने कब मना किया कि खुशहाली का काम मत करिए? कब सनातन धर्म ने कहा कि हर घर में खुशहाली ना हो? कब सनातन धर्म ने ये बोला कि अच्छी शिक्षा ना दी जाए? कब सनातन धर्म ने ये बोला कि आप गलत बोलिए, जैसे आप हर चीज को उल्टा प्रेजेंट मत करिए? सर मेरे मोबाइल में देखो, देखो कैसे राम जी को उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के लिए। हमको ऐसे राम नहीं चाहिए, हमको ऐसे राम नहीं चाहिए कि बीजेपी का एक अदला सा नेता भगवान राम को उंगली पकड़ के मंदिर तक ले जाए, ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए। अब वो देखिए आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी है मोदी जी को, कौन किसकी उंगली पकड़ रहा है? आपने तो ट्रिगर पकड़ा था ना, आपने ट्रिगर पकड़ा था ना बंदूक का, आपने बंदूक का ट्रिगर पकड़ा था। अरे तो बंदूक का ट्रिगर पकड़ करके हजारों लोगों को मरवाने से बेहतर है उंगली पकड़ लो। आपको हर चीज पे ऑब्जेक्शन है। मैं बोलता हूँ किसी भी एक आदमी की, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे एक साधारण आदमी हो, अगर वो अपने आराध्य के साथ उसकी फोटो है तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको क्या दिक्कत हो रही है इन सब चीजों में? आप जरूरत से ज्यादा व्याख्या करने में, गलत व्याख्या करने में लगे रहते हैं। हिम्मत है आपके अंदर? किस चीज की हिम्मत? किस चीज की हिम्मत की बात कर रहे हैं आप? थोड़ा नहीं है ना, तो भी सवाल मुझसे मत पूछिए, बीजेपी से पूछिए। मनोज जी की आवाज इतनी हिम्मत नहीं है कि हम राम की उंगली पकड़ के लेके जाएं उनको मंदिर में बैठा? आप दोनों एक साथ मत बोलिए, एक एक करके बात कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। श्वेतांग जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं कि राम की उंगली पकड़ के? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। श्वेतांग जी ठीक है ठीक है। श्वेतांग जी भी बोलना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार ए के मिश्रा महोदय ने कहा कि If you can't beat them, then join them. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहली बात, संविधान के खिलाफ किसी भी तरह का वो ट्वीट हो, फेसबुक पे कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट हो, ट्विटर पे कोई भी ट्वीट हो, इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट हो, अगर वो संविधान के खिलाफ होगा तो उसपे आपत्ति जपताना इस भारत के हर नागरिक का अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि एके मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से काफी प्रभावित लगते हैं। मैं अपने देश की विचारधारा से प्रभावित हूं सर, मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की विचारधारा? सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए, एक तो पहली बात तो ये, हजारों साल की सभ्यता की विचारधारा से आप प्रभावित नहीं है? सर्टिफिकेट लेकर घूमना बंद कीजिए, पहली बात तो ये। गल्फ और अरब की विचारधारा से प्रभावित मैं नहीं हूं, हमें प्रभावित होने के लिए हमारे देश के लाखों साल का इतिहास दिया जाए। मैं अपने देश की विचारधारा से प्रभावित हूं, अपने देश के महापुरुषों ये धर्म की बात नहीं है। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस धर्म के ठेकेदार बनते हैं, तो कुछ तथ्यों की बात कर ले, बातचीत होती रहेगी, सुनिए ध्यान से। कर्पात्री जी महाराज थे, राम राज्य परिषद 1948 में गठित हुआ, 1952 के चुनाव में 3 सीट जीत करके आए थे। उनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो आरएसएस से भले ही अलग थे, लेकिन सुनिए ध्यान से, सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा। उनका नारा था धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। वो आरएसएस और बीजेपी केवल धर्म की राजनीति कर रही है, बहुत साफ है, ये स्पष्ट है, ठीक है।
और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, और सुनिए, कांग्रेस कांग्रेस की दुनिया है, आंदोलन किया था कर्पात्री महाराज ने, तो क्या किया था सरकार ने, जरा ये भी बताइए कर्पात्री महाराज ने जब संसद का घेराव किया व्यवस्था के लिए क्या हुआ था, ये इतिहास नहीं पता है आपको, बताइए ना कि क्या किया था। 30 करोड़ पूरे भारतीय का बल है, भारतीय जनता पार्टी इस देश को, भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाने से अच्छा है जो जवाब पूछा जा रहा है उसका जवाब दे दीजिए। आप जिस कर्पात्री महाराज की बात कर रहे हैं, जब उन्होंने गौ रक्षा के लिए आंदोलन किया, घेराव किया संसद का, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब ये है कि राजनीति आप लोग रखिए अपनी जेब में, बीजेपी और कांग्रेस, राम राजनीति का विषय नहीं है कि आप लोग जो है यहाँ पे राजनीति करिए। राम लाखों साल से हजारों करोड़ों की जनसंख्या जो भारत का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है उनकी आस्था के विषय है, उनके मार्गदर्शक रहे हैं राम। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ठीक है, चलिए ठीक है, उस पर बात कर लेंगे, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेहमानों का मैं रुख करता हूँ। एके मिश्रा जी, श्वेतांग जी ने जो ब्रेक से पहले बात बोली उसी से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वहीं पर मैंने ब्रेक लिया था। वो कह रहे थे सिर्फ बीजेपी ये धर्म की सियासत कर रही है, क्या सिर्फ बीजेपी ही देश में धर्म की सियासत कर रही है, या फिर क्या और सारी पार्टियां दूध की धुली हैं? क्या कांग्रेस दूध की धुली है, या समाजवादी पार्टी दूध की धुली है, क्या धार्मिक सियासत सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी कर रही है? मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं ऐसे बयान, देते हैं ऐसे बयान, लेकिन क्या सिर्फ बीजेपी के ही देते हैं? देखिए प्रैक्टिकली मैंने आपको पहले भी बोला कि 200 देशों में 52 देश केवल धर्म के, इंडिया का बंटवारा हुआ तो केवल धर्म और जाति पात के आधार पर बंटवारा हुआ था। मैं आपको बता दूं 1947 में आजादी के समय पे धर्म को जाति को पाति को अलग करके, मैं केवल भारत की बात करूं, बाहर की बात करूंगा तो मनोज यादव जी नाराज होंगे, अगर हटा दिया जाए, मनोज जी क्यों नाराज होंगे? एक चुनाव के मैं बताऊंगा क्यों नाराज होंगे। एक कैंपेन आप मुझे बता दीजिए जहां पे धर्म जाति पात की बात ना हुई हो। क्षेत्रीय पार्टियां जितनी निकली हैं, आप आरजेडी की बात, मैं लालू यादव की बात बिहार में करता हूं, यूपी में मुलायम सिंह यादव की बात करता हूं, मायावती के पार्टी की बात करता हूं, इनके स्लोगन होते थे धर्म और जाति पाति के आधार पे। अगर कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे हैं कि धर्म नहीं होना चाहिए, मैं इनसे पूछता हूं अगर नहीं होना चाहिए तो राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर सरोवर की यात्रा में क्यों गए थे, तिलक लगा करके जो है नेपाल में पशुपतिनाथ दर्शन करने क्यों गए थे, चुनाव के वक्त में प्रियंका गांधी ने गंगा जी में अपनी यात्रा क्यों शुरू की थी, श्वेतांग जी के साथ दिखाइए, यात्रा क्यों शुरू की थी, श्वेतांग जी के साथ दिखाइए एक के जी को। पत्रकार है, न्यूट्रल रहिए आप, पत्रकार है न्यूट्रल रहिए, किसी एक पार्टी का पक्ष मत रखिए। ये बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ, ये बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ। आपकी बात कर दी तो आप भारतीय जनता पार्टी का टैग लगा देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे आप। अगर आप लोग धर्म में विश्वास नहीं करते हैं तो रोजा इफ्तार की पार्टियां सारी पार्टी के लोग देते हैं, आपके नेताओं की पिक्चरें लगी हुई है सर, आप मुझे बताइए। एक इलेक्शन कैंपेन बता दीजिए जहां पे धर्म और जाति पात की बात इस देश में ना हुई हो, बताइए एक इलेक्शन कैंपेन, एक नेता मुझे बता दीजिए क्षेत्रीय पार्टियों में और नेशनल और रीजनल लेवल पे जिसने कभी ना कभी अपने पॉलिटिकल करियर में धर्म जाति और पात का सहारा ना लिया हो, चाहे वो सत्ता में आने के बाद उसने कुछ कानून बनाया हो जाति या धर्म विशेष को विशेष सहूलियत देने के जवाब लिए, श्वेतांग जी कैंपेन में कोई स्लोगन और नारा दिया हो। श्वेतांग जी देखिए अपूर्व जी, ये धर्म की बात ले आया है तो यहाँ पर थोड़ा सा कोट करना किताबों को बहुत जरूरी होता है। अभी एक कर्पात्री महाराज पे बोल के चले गए थे, आपने ब्रेक ले लिया था। गोलवलकर जी की किताब थी बंच ऑफ थॉट्स, मिश्रा जी जानते होंगे आप, उसी के अगेंस्ट में उसको बताते हुए कर्पात्री महाराज ने लिखा था आरएसएस और हिंदू धर्म, 1950 में ये किताब लिखा था, पेज नंबर 9 ध्यान दीजिए। मुझे बताइए 1950 की बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे हम जी, पेज नंबर 9 उसमें 1950 की बात करने बैठे क्या यहाँ पर हम इस तरीके से? तो सर ये एक घंटे की डिबेट भी हमको कम से कम 10 घंटे वाली करनी पड़ेगी, फिर मैं भी कुछ कांग्रेस के नेताओं के दिए हुए पुराने बयान, फिर मैं शाहबानो केस भी उठाऊंगा, फिर मैं उस पर भी डिटेल में जाऊंगा, फिर कांग्रेस को दिक्कत होगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी फिर बयान गिराऊंगा, फिर बीजेपी को भी दिक्कत होगी, समाजवादी पार्टी की सियासत कैसी रही है मैं उसको भी कुरे दूंगा। ये जो आप लिख के ले आए हैं दो चार वो बताना जरूरी है क्या? कांग्रेस एकता और भाईचारे की राजनीति करती है,
पहली बात कांग्रेस एकता और भाईचारे की बात करती है। चलिए गौरव जी से इसका जवाब। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एके मिश्रा जी ने बिल्कुल जो बात कही उसको टच करते हुए वो निकल गए और उसको मैं पूरा किए दे रहा हूँ। बीजेपी अपनी राजनीति को धर्म में समावेशित करना चाहती है, करे, हमें उसको रोकने का हक नहीं है। लेकिन अन्य दल जो हैं, अन्य दल की मैं बहुत सारे दलों की नहीं, लेकिन मैं अपनी पार्टी और तमाम सारे कुछ ऐसे सेकुलर दल है जो ये चाहते हैं सभी के धर्म का सम्मान। हम हिंदू हैं, मैं हिंदू, मैं कृष्ण वंशज हूं, मैं अपने आराध्य को मानता हूं, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानता हूं, लेकिन इस देश में मैं महाराष्ट्र वाले को यह बाध्य नहीं कर सकता कि तुम दुर्गा पूजा मनाओ। मिश्रा जी हंस रहे हैं आपकी बात पे। पश्चिम बंगाल वाले को बाध्य कर सकता हूं कि वो गणेश पूजा मनाए। मिश्रा जी कैसे नहीं दिख रहे यहां पर, जिसको जिसको जो कुछ करना है वो करे, उसको बिल्कुल। जैसे ही आपने कहा कि हमारे जैसे सेक्युलर दल, यहाँ मिश्रा जी की हंसी छूट गई। मैं देखिए मिश्रा जी को दरअसल में क्या है, मिश्रा जी मुझे आप एक ऐसे यदुवंशी हैं आज जिनको धर्म का मर्म पता ही नहीं है। मैंने पहले भी बोला सनातन धर्म कब बोलता है कि दूसरे लोग सुखी ना हो, धर्म आपको अच्छे काम करने के लिए कब रोकता है, चाहे कोई पार्टी हो चाहे व्यक्तिगत आदमी हो। राम मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे हैं, उसी के बारे में बोला गया है कि राम राज्य में भी सब लोग अपने अपने धर्म के धर्म का पालन करते थे। तो धर्म को आप लोग बाधा, केवल सनातन धर्म को, सनातन और हिंदू धर्म को आप दुनिया भर का बाधा बना के जो प्रेजेंट कर रहे हैं ना पिछले 500 सालों से, वो बंद करिए। सनातन धर्म, हिंदू धर्म कभी भी वैमनस्यता नहीं फैलाता है, विकास में बाधक नहीं है, सेवा में बाधक नहीं है, चाहे सरकार उसको अंगीकार कर ले। भारत में जितने भी धर्म पैदा हुए हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, किसी भी एक धर्म का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि वो आपके विकास में, आपके खुशहाली में बाधक हो। किसी दूसरे धर्म को प्रताड़ित करने की बात किसी भी ऐसे धर्म में नहीं कही गई है। प्रोटेक्ट मत करिए, घातक होगा, बेटा बेरोजगार रह जाएगा, बेटी को भी नौकरी नहीं मिलेगी, तब बहुत दिक्कत होगी। अभी तो मान लो ठीक है, राम राम करोगे, अभी मंदिर मंदिर करोगे, अभी सनातन सनातन चिल्लाओगे, लेकिन जब बेटा बेटी बेरोजगार हो जाएंगे ना और सही इलाज नहीं मिलेगा ना एक के मिश्रा जी, तो बड़ी तकलीफ होगी। मनोज यादव जी, आप चिल्लाओगे, जब हम गुलाम थे, जब हम गुलाम थे, जब औरंगजेब की तलवारें चलती थी, तब भी यहाँ पे लोग राम राम बोलते थे। आप मुझे ये लालच मत दीजिए कि नौकरी के लालच में हम राम को भूल गए। ये आप 120 करोड़ हिंदुओं को मत बताइए, मैं आपको बता दूं, हम पैदा होने के वक्त से लेके मरते तक शासक कोई भी रहा हो, चाहे बाबर रहा हो, चाहे अंग्रेज रहा हो, चाहे औरंगजेब रहा हो, चाहे मुलायम सिंह यादव रहा हो, चाहे मोदी रहा हो, पैदा होने से लेके मरते वक्त तक हरे राम हरे कृष्ण बोलते रहे और बोलते रहेंगे। ये लालच देके आप हमें नौकरी का लालच देके हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को उनके धर्म से अलग मत करिए सर, वो दूसरे होंगे जो पैसों के लालच में, किसी के लालच में अपना धर्म छोड़ दिए। ये नीति छोड़ दीजिए, ये नीति छोड़ दीजिए। 120 करोड़ भारतीयों के लिए बात कर रहा हूँ, आप नौकरी का लालच देके धर्म से नहीं कर सकते हैं, आप अपने नाम के आगे अपना सर नहीं हटा सकते हैं। राम राम से इतनी दिक्कत क्यों है मनोज जी, केवल दिक्कत इनको राम की है, पीड़ा क्या है? ये लोग ऐसा राम, राम का नाम ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे हर चीज में बाधक केवल राम का नाम है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, अरे तो आप अपने गिरेबान में झांके ना, आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? राम ने रोका आपको नौकरी करने से, राम नाम ने रोका है, राम की भक्ति ने रोक लिया। राम ने आके बोला क्या कि आप नौकरी मत करिए? राम ने आके बोला क्या कि आप मंत्री मत बनिए? राम ने आके बोला क्या कि आप चुनाव मत लड़िए? हमको कहानी साहित्य कथा मत सुनाइए मिश्रा जी, सीधे सीधे कह रहा हूँ, दिवाली हर साल मनाते हैं, राम जो कहानी सुना रहे हैं हर साल मनाते हैं, राम जो कहानी सुना रहे हैं उसका क्या? वो कहानी सुनाएंगे सामने वाले से, कहेंगे कहानी मत सुनाओ, खुद जो आप ये कहानी सुना रहे हैं उतनी देर से, वो क्या है कि राम के नाम को आप ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो कि जैसे कम बोलते हैं, विकास में बाधा है देश की, राम या राम का नाम आपके उन्नति में बाधक नहीं है।
तो व्यक्तिगत रूप में भी ज्ञान ले सकते हैं सनातन परंपरा को, हम और भी नौकरी नौकरी से आते हैं देकर के हम ये नाम पर राम का नाम लेने से नौकरी का क्या लेना देना, राम का नाम लेने से राम की भक्ति करने से नौकरी का क्या लेना देना। यादव को ये भी नहीं पता है कि धर्म का राम मंदिर का माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा आपको पता है, कितने छोटे लोगों की इनकम बढ़ेगी आपको पता है, एक राम मंदिर निर्माण करने से इतने लोगों को आजीविका मिलेगी, 250 किलोमीटर में टूरिज्म, छोटी मोटी पान की दुकानें, आप एग्जांपल देखिए जब कुंभ मेला होता है तो एक डेढ़ महीने में करोड़ों रुपए का व्यापार हो जाता है। धर्म के धर्म में माइक्रो इकोनॉमी का जो यूज हुआ है और किसी दिन आपको समझाऊंगा कि धर्म से माइक्रो इकोनॉमिक्स का कितना बड़ा बेनिफिट होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कितना जबरदस्त तरीके से होता है, बचा लेती है ना भगवान को, लेकिन बेचे ना कम से कम, कह दीजिए बीजेपी से अच्छा लगेगा मुझे, आप बीजेपी से कहिए राम को बेचे। बोलिए श्वेतांग जी, ठीक है श्वेतांग जी बहुत देर से बोल रहे हैं, ठीक है बहुत देर से कह रहे हैं, वो उनका बारी नहीं आ पा रही है, बोलिए श्वेतांग जी। दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। वरिष्ठ पत्रकार ए के मिश्रा महोदय ने पहले कहा, ये बात बताइए आप भी ये मानते हैं क्या, मनोज यादव वाली बात, राम का नाम लेने से नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, राम का नाम उन्नति में देश की बाधा है, आप भी मानते हैं ये? मैं एक लाइन में इसका उत्तर दे लेता हूँ, गौरव मिश्रा जी को भी, ए के मिश्रा जी को भी एक लाइन में इसका उत्तर दूंगा मैं। हाँ। मैं एक हिंदू हूँ और इसके लिए मुझे किसी आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप केवल हिंदू हैं, आप एक शब्द और जोड़िए कि आप छद्म और सेकुलर हिंदू हैं। अगर आप संविधान को मानते तो ये बार 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 सेकुलर शब्द का ला करके यहाँ पर संविधान की अवहेलना नहीं करते। सही बात, मिश्रा जी गलत कर रहे हैं। कौन सा संविधान है, कौन सा धर्म है, देखिए एक दूसरे की बुराई करते हैं या एक दूसरे के रास्ते में बाधक है। मिश्रा जी आप डिबेट, हमारा संविधान बोलता है क्या कि आप धर्म को मत मानिए, हमारे संविधान में ये लिखा है क्या कि धर्म विकास में बाधक है? गौरव मिश्रा जी समझ गए कि चुप रहने में भलाई है, एक मिश्रा लड़ रहे हैं आप देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, जो बार बार आप लोग कैमोफ्लाज करते हैं ना, कौन से संविधान में लिखा है कि धर्म विकास में बाधक है, धर्म पढ़ाई लिखाई में बाधक है? अगर इतना बड़ा बाधक होता तो संविधान बनाने वाले लिख दिए होते कि भैया धर्म से बच के रहो, संविधान में तो धर्म के खिलाफ कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई चीज नहीं लिखी हुई है। आप ये बताइए, नीति अलग है, न्याय अलग है, कष्ट अलग है, लोगों की पीड़ा अलग है, ये धर्म कहां से आ गया? ये धर्म कहां से आ गया? धर्म बताता है, मानव इतिहास में सबसे पहले धर्म ने बताया कि नीति क्या होनी चाहिए, लोगों की पीड़ा को शांत करने के लिए न्याय व्यवस्था सबसे पहले इतिहास में किसने स्थापित की बताइए, न्याय व्यवस्था क्या मतलब है, जुडिशरी सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई आप मुझे बताइए, धर्म क्या है आपको पता है? धर्म को क्यों जोड़ रहे हैं डिबेट में आप, पहले ये धर्म क्या है आपको पता है? बहुत फेमस सवाल ना करते कि धर्म आया कहां से, आप धर्म को अलग करने में क्यों तुले पड़े हैं हर चीज से? उन्होंने राम को इमाम-ए-हिंद कहा था, पहले सुनिए आप, पहले बात सुनिए, ये तो पता नहीं कौन याद करके चले आए 50 और 51 का, वही बार बार गिनाए पड़े, कहा था तो उसको हृदय से मानिए, उसको इंप्लीमेंट करिए, अगर इमाम-ए-हिंद मानते हैं तो चल के राम मंदिर में पूजा करिए ना, जबरदस्ती इमाम-ए-हिंद करिए, अगर आप इमाम-ए-हिंद मानते हैं तो बेहतर तरीके से उसको इंप्लीमेंट करिए ना जिंदगी में, कौन से धर्म और संविधान क्यों बताते हैं कोर्ट में जाकर, सुनवाइयां क्यों टलवाते हैं, क्यों चलवाते हैं फिर, उसका जवाब क्यों नहीं देते बीजेपी वालों को, उसका जवाब पूरे देश को क्यों नहीं देते? फिर वही बात मैं जोड़ रहा हूँ, सुनिए, एके मिश्रा जी ने अपनी एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, क्या पश्चिम बंगाल वालों की दुर्गा पूजा बंद करा के गणेश पूजा शुरू करा पाएंगे एके मिश्रा? ये एक्सेप्ट करें इसी चैनल पे, बताएं इसी डिबेट में, और क्या पश्चिम बंगाल वाले को बात करेंगे कि चल के वहां गणेश पूजा मनाओ, या वहां वाले को बात करेंगे चल के दुर्गा पूजा मनाओ? बात नहीं कर सकते ना, पहले ही बोला क्या उल्टी बात करते हैं, अच्छे कामों में सनातन धर्म के साथ साथ भारत भूमि का जितने धर्म पैदा हुए हैं कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूजा कर
मैंने कब बोला, मैंने कब बोला कि राम जो है बीजेपी के पेटेंट है या कांग्रेस के पेटेंट है? राम अगर किसी के पेटेंट है तो इस देश की सभ्यता और संस्कृति के ध्वजवाहक है, वो हमारे आदर्श है और अभी से नहीं हजारों साल से, हजारों बार गए। ये तो विपक्ष के लोग जबरदस्ती बीजेपी 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 विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि आप लोगों ने पेटेंट करवा दिया बीजेपी को। अरे आप भी राम राम बोलिए ना। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट गौरव जी से लेते हैं। गौरव जी जवाब दीजिए मनोज जी की बात पर। ठीक है गौरव जी, 30 सेकंड आपके पास, मनोज जी की बात पर जवाब दीजिए। जाइए पूजा करिए राम मंदिर में, आप लोग भी क्यों छोड़ दिया है बीजेपी को? बोल पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी बात रखेंगे। आप कौन जाएंगे? आपको नहीं जाएंगे। पूजा नहीं, विश्व भारत की संस्कृति के पूजा नहीं करेंगे। राम का नाम लेंगे, लगा करके देख रहा है, जनेऊ दिखाएंगे, संस्कृति पूजा करेंगे। आज